इस भीड़ को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहां जरूर कुछ हुआ होगा, और भीड़ के साथ पुलिस को देखकर तो आपको यकीन हो चुका होगा कि यहां जरूर कोई वारदात हुई होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये गोवर्धन का वो पौश इलाका है जहां सैकड़ों राहगीर हर वक्त चलायमान रहते हैं। यहां से थाने की दूरी मात्र 100 कदम है और 50 कदम की दूरी पर पड़ता है गोवर्धन का प्रसिद्ध दान घाटी मंदिर। इस मंदिर में लाखों करोड़ों भक्त अपनी आस्था लेकर गिरिराज जी की पूजा अर्चना करने आते हैं। ऐसे में गोवर्धन में मनचलों के आतंक का पर्याय बन चुका है ये क्षेत्र, और ये जो घटना है वो घटना भी मनचलों से जुड़ी हुई ही है। दरअसल मामला गोवर्धन प्लाजा में संचालित एक कोचिंग सेंटर का है, जहां एक छात्रा अपनी कोचिंग के लिए आ रही थी। कोचिंग के बाहर ताक लगाए बैठे मनचलों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे डाला। इसके बाद छात्रा ने हो हल्ला किया तो भीड़ एकत्रित हो गई, लोगों और मनचलों में जमकर कहा सुनी और मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक मनचले को पकड़कर थाने ले आई। थाने से चंद कदमों की दूरी पर मनचलों के हौसले कितने बुलंद हैं ये इस घटना से समझा जा सकता है। इलाका पुलिस और योगी की एंटी रोमियो एस्कॉर्ट क्या कर रही है ये भी समझा जा सकता है। इस भीड़ को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहां जरूर कुछ हुआ होगा, और भीड़ के साथ पुलिस को देखकर तो आपको यकीन हो चुका होगा कि यहां जरूर कोई वारदात हुई होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये गोवर्धन का वो पौश इलाका है जहां सैकड़ों राहगीर हर वक्त चलायमान रहते हैं। यहाँ से थाने की दूरी मात्र 100 कदम है और 50 कदम की दूरी पर पड़ता है गोवर्धन का प्रसिद्ध दान घाटी मंदिर। इस मंदिर में लाखों करोड़ों भक्त अपनी आस्था लेकर गिरिराज जी की पूजा अर्चना करने आते हैं। ऐसे में गोवर्धन में मनचलों के आतंक का पर्याय बन चुका है ये क्षेत्र, और ये जो घटना है वो घटना भी मनचलों से जुड़ी हुई ही है। दरअसल मामला गोवर्धन प्लाजा में संचालित एक कोचिंग सेंटर का है, जहां एक छात्रा अपनी कोचिंग के लिए आ रही थी। कोचिंग के बाहर ताक लगाए बैठे मनचलों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे डाला। इसके बाद छात्रा ने हो हल्ला किया तो भीड़ एकत्रित हो गई, लोगों और मनचलों में जमकर कहा सुनी और मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक मनचले को पकड़कर थाने ले आई। थाने से चंद कदमों की दूरी पर मनचलों के हौसले कितने बुलंद हैं ये इस घटना से समझा जा सकता है। इलाका पुलिस और योगी की एंटी रोमियो एस्कॉर्ट क्या कर रही है ये भी समझा जा सकता है।